अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम जनरल साइंस सीएसई 101 का लेक्चर नंबर 24, 25 और 26 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 24 जो कि केमिस्ट्री के पोर्शन का लेक्चर नंबर 10 है, ये है हाइड्रोजन। हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और सबसे सिंपलेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी वही। सिंपलेस्ट इन द सेंस कि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट है ये वाला। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज अ यूनिक एलिमेंट। इट्स एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, क्योंकि सबसे जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा एटम जो है वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसमें शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो इसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेल है, एक ही सब शेल हुआ, तो स्मॉलेस्ट एटम एंड हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इट इज जनरली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप वन अलॉन्ग विद अल्की मेटल्स, बट इट इज नॉट अ मेटल एंड इट इज नॉट फुली जस्टिफाइड टू प्लेस इन द ग्रुप वन ए। बस उसको वन ए के ऊपर रखा जाता है, लेकिन वो अल्की मेटल का पार्ट नहीं है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। द स्टार्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। जितने भी सितारे हैं, जैसे कि सूरज भी एक सितारा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इन द अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज H2O, जो कि आम पानी है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो हाइड्रोजन का कंपाउंड है वो पानी है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि आपने पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स यानी। और हमने भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स बहुत ज्यादा अबंडेंट है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कंपाउंड जो है, या हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पाई जाती है। आइसोटोप्स आपने पहले भी पढ़ा होगा क्या है, और इधर भी आप पढ़ लें क्या, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम जो है वो सिंपल हाइड्रोजन होती है, जिसमें वन प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन होती है। ड्यूट्रियम में दो मतलब हो जाते हैं न्यूक्लियस में चीजें, एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन। और ट्रिटियम में होता है कि न्यूक्लियस में तीन आ जाते हैं न्यूक्लियाई, जिसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है। ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ड्यूट्रियम जो है वो यानी जो हैवी वाटर होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो उसमें हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप डाला हुआ। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3 आइसोटोप। देयर आर ऑर्डिनरी ऑक्सीजन और प्रोटियम, हैवी हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम, एंड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन और ट्रिटियम। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इंडस्ट्री में पानी जो है उसको कैसे, वो सॉरी हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है। सबसे ज्यादा क्योंकि अबंडेंट पाया जाने वाला हाइड्रोजन का कंपाउंड है वाटर, तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का सबसे नंबर वन तरीका जो है वो भी हमारे पास पानी से ही हाइड्रोजन निकालना है। ऑन लार्ज स्केल हाइड्रोजन इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए और उसके उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिवाइड किया जाए। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के जरिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस के जरिए अगर हमने ऑक्सीजन गैस निकालनी है तो वो भी निकल जाती है, और हाइड्रोजन बनानी हो तो वो भी बन जाती है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन एट कैथोड एंड एट एनोड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। 2H2O गिव्स अस 2H2+O2। दूसरा प्रोसेस है इसका कोक एंड स्टीम प्रोसेस।
स्टीम भी H2O ही होता है, उसके अंदर जो है को क्या फॉर्म ऑफ कार्बन है। जब कार्बन और पानी को मिलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। कोक अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड विद स्टीम एंड स्ट्रॉन्गली हीटेड वाटर गैस इज प्रोड्यूस। वाटर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जो हाइड्रोजन गैस को कहते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। C+H2O गिव्स अस CO+H2 वाटर गैसेस को कहते हैं। यहाँ इक्वेशन के ऊपर गिव्स अस के ऊपर 1200 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं, जो चीज रिएक्शन के लिए जरूरी है और रिएक्शन में उस तरह से पार्ट नहीं ले रही होती। यहाँ तो टेम्परेचर है ना, जस्ट कुछ केमिकल्स भी होते हैं उनकी अंदर, इनको यूटिलाइज किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इस प्रोसेस के लिए कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी है। अब बात यह है, वाटर गैस बन गई है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम हाइड्रोजन से कैसे सेपरेट करें, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए थी, हमें वाटर गैस नहीं चाहिए। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम इसको लिक्विफाई करें। लिक्विफाई करने का मतलब यह है इसको लिक्विड फॉर्म में ले जाएं। तो ये इस प्रोसेस से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएगा। लिक्विफिकेशन प्रोसेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज -192 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज इक्वल टू -253 डिग्री सेल्सियस। When this mixture is liquefied, CO first liquefies and thus separated, leaving behind hydrogen gas. यानी जब हम टेम्परेचर को -192 तक लेके जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिक्विड बन जाएगी और हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, गैस फॉर्म में हाइड्रोजन रह जाएगी। इसके अलावा इसको एक और प्रोसेस है जिससे बनाया जा सकता है, बोस्टी प्रोसेस। द मोर स्टीम इज एडिड एंड इन मिक्सचर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जहां पर भी देख लें आप, गिब्स के साथ Fe2O3 लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन में इटसेल्फ टेक पार्ट नहीं ले रहा, लेकिन रिएक्शन के लिए इसका होना जरूरी है। अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन, दिस इज नोन एज बोस्टी प्रोसेस। ये जो CO+H2 है ना, ये वाटर गैस वाले को ही यूज किया हुआ है। आप अगर ये ना समझिएगा कि हाइड्रोजन बना रहे हैं और हाइड्रोजन ही यहाँ दे रहे हैं, इस ये जो हमारे पास हासिल हुआ ना, इसके इतने हिस्से के अंदर से हमने हाइड्रोजन को अलग करना है और इसको अलग करना है। उसके लिए हमने ये किया कि उसके अंदर पानी ऐड किया, या पानी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ऐड किया है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और ये H2 बने। हाउ टू सेपरेट CO2? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू वाटर अंडर प्रेशर। पानी को प्रेशराइज करके इसके अंदर से पास किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आजाद हो जाती है। स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उससे भी हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। स्टीम मीन H2O एंड दिस प्रोसेस अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड स्टीम इज पास्ड ओवर अ निकल कैटलिस्ट एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। अंडर हाई प्रेशर अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन। अब यहाँ पे भी ये वही चीज हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो इसको कैसे सेपरेट करना है वो वही तरीका जो ऊपर लिक्विफिकेशन और ये वाला दिया हुआ, बोस्टिव प्रोसेस या लिक्विफिकेशन प्रोसेस, इससे हम इनको सेपरेट करेंगे। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में ज्यादातर किस तरह बनाए जाते हैं? इन द लेबोरेटरी हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक। जब मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है तो मेटल को जो है वो ये वाले फॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिससे जिंक क्लोराइड बन गया,
जिंक सल्फाइड बन गया, तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये लिबरेट हो जाती है, आजाद हो जाती है, और ये हम यूज कर लेते हैं। एक्शन ऑफ वाटर ऑन CaH2, CaH2+2H2O यहाँ गिव्स अस का साइन ये बनाना भूल गए, यहाँ एरो आना था, गिव्स अस CaOH2+2H2। आगे है केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन क्या है, वो दूसरी चीजों से किस तरह रिएक्ट करते। सबसे वही जो आम पाया जाने वाला कंपाउंड पानी है, सबसे पहला यही है कि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो हमारे पास पानी बनता है, और अमोनिया जो है नेचुरल फर्टिलाइजर भी है, वो कैसे बनता है, हाइड्रोजन का जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होता है तो अमोनिया बनता है, इसी तरह सल्फर से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, फास्फोरस से रिएक्शन होता है तो फास्फोरस का हाइड्राइड बनता है, तो ये इसके रिएक्शन लिखे हुए हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन तो HCl बन जाता है। अब उसकी एप्लीकेशंस क्या है हाइड्रोजन की, प्रिपरेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया बनाने में यूज होती है हाइड्रोजन, जो कि हमारे पास एक फर्टिलाइजर है, और अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे Fe2O3 और Al2O3 ये दोनों चाहिए होती है, या दोनों में से कोई एक। द प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस, ये इसका जो प्रॉपर वे है किस तरह अमोनिया बनाने का, इस प्रोसेस का नाम हैबर प्रोसेस है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड विद कलरिंग गैस टू ऑब्टेन HCl। प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल, हीटिंग वाटर गैस विद ZnO2/Cr2O3 कैटलिस्ट, यहाँ पे इसके ऊपर एरो के ऊपर ये कैटलिस्ट साथ आने थे, क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में इधर लिखे जाते हैं, तो Co+2H2 गिव्स अस CH3OH। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल टू घी, ऑयल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजिनेशन चाहिए होती है। हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स जो हैं, कंपाउंड जो हैं, वो हाइड्राइड कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड जो है, द बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मीन उसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे, एक तो डेफिनेटली हाइड्रोजन है, दूसरा कोई और है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्राइड। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एंड फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड। कॉमन एग्जांपल आर H2O, NH3, HX। एक्स फॉर हेलोजन्स होता है, एक्स इज हेलोजन जिसमें आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन शामिल है। CH4 एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, आयनिक हाइड्राइड्स। जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो वो जो हाइड्राइड्स बनते हैं उसको हम आयनिक कहते हैं। विद अल्कली मेटल्स एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉर्म्स आयनिक हाइड्राइड्स, Al+H2 गिव्स अस Al2H, Na+H2 गिव्स अस NaNH, Ca+H2 गिव्स अस CaH2। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट हाइड्राइड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और अमोनिया, वाटर और इस तरह डिफरेंट, वो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कोवलेंट हाइड्राइड, कॉमन एग्जाम्पल CH4, NH3, H2O, HCl, PH3, H2S, HBr, HI। दे आर मोलिकुलर हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, Dp फॉर बॉइलिंग पॉइंट है, Mp फॉर मेल्टिंग पॉइंट है। मेटेलिक हाइड्राइड, मेटल्स के साथ जिसके हाइड्राइड बनते हैं उसको मेटेलिक कहते हैं। द हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड, दे आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक, दे आर इंटरस्टीशियल कंपाउंड एंड दे रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल मेटल, यानी उसमें ओरिजिनल मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स आर LiAlH4, NaBH4, यानी एक से ज्यादा इसमें मेटल पाई जाती है, जैसे इसमें लिथियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, इसमें सोडियम भी है और बोरॉन भी है। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट मीन मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन, खाली H फॉर्म में, और वो कभी भी इस तरह नहीं टिकती, फौरी तौर पर रिएक्ट कर जाती है,
और कोई ना कोई कंपाउंड बना लेती है। द हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। इट मे रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट अवेलेबल। मोर एटॉमिक हाइड्रोजन मे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल ZN plus 2 HCl gives us ZN, Cl2 plus 2 H, 2 H gives us H2। नेसेंट को हमेशा हम यू ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यूनिवर्स में हमें पता है हाइड्रोजन है, और उसके बाद पाया जाने वाला जो मोस्ट कॉमन मोस्ट अबंडेंट है एलिमेंट वो ऑक्सीजन है। और इसका भी सबसे ज्यादा ये तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऑलमोस्ट 20% जो है हमारे पास एयर में ऑक्सीजन गैस होती है, और इसके अलावा वाटर की फॉर्म में जो है बहुत अबंडेंट इसका कंपाउंड पाया जाता है। ऑक्सीजन इज अ कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन एटम हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है। कॉमन आइसोटोप ऑक्सीजन आर एच हैज 8 न्यूट्रॉन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस इज O2। ऑक्सीजन गैस इज अबाउट 20% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, जो कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले सेक्शन में इसके काफी ज्यादा ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े थे, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी कितनी ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन। अबंडेंस मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट 50%, इन द एयर 21% बाय वॉल्यूम। मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स H2O, SiO2, जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो उनकी फॉर्म बन, जितने भी सहरा है उसमें ज्यादा से ज्यादा SiO2 पाए जाते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 6A इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.4 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यहाँ मिसिंग है, वो आप इसकी खुद बना के लिख लें। O2 इज पैरामैग्नेटिक। आपने जैसे इसको पैरामैग्नेटिक याद नहीं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब क्या होता है, इसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ये मैग्नेटिज्म की वो आगे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे वो इसकी ब्रांचेस बनी हुई है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। आपने बस इतना याद रख लेना कि ये पैरामैग्नेटिक। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। एक नॉर्मल ऑक्सीजन गैस जो होती है O2 फॉर्म में, और एक ओजोन गैस होती है O3 फॉर्म में। फॉर्मेशन ऑफ O2 आयन। ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने पीरियोडिक टेबल में भी जब मैंने पढ़ाया था उस चैप्टर में आप देख सकते हैं जाके कि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 कम होते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सो इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक वाइल दैट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक। ओ प्लस 2E नेगेटिव गिव्स अस O2 नेगेटिव। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट विद मैगनीज डाइऑक्साइड या MnO2 एज कैटलिस्ट, हीटेड एट 240 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी आपने एरो के ऊपर MnO2 और यहाँ पे 240 डिग्री लिखना है। 2KClO3 गिव्स अस 2KCl plus 3O2। ये जितने भी इक्वेशन में लिखे होते हैं ना, कहीं पे G, कहीं पे AQ, कहीं पे L, ये आपने नहीं लिखने, क्योंकि ये लिखना जरूरी नहीं होता कि ये गैस है या लिक्विड है या एक्वस सोल्यूशन है, ये जस्ट आपको बताने के लिए। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे और यहाँ पे गैस की जी की जगह आपने एल लिख दिया, लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं और एक्वस सोल्यूशन के लिए ए क्यू यूज करते हैं, एस यूज करते हैं सॉलिड के लिए, तो अगर आपने जैसे ऑक्सीजन गैस है आपने यहाँ पे एस लिख दिया, तो बेसिकली आपकी इक्वेशन चाहे आपने यही एग्जैक्टली लिखी हो लेकिन इधर एस
जो कि लिखना जरूरी नहीं था आपने लिख दिया है, तो आपके पूरी इक्वेशन क्रॉस कर दी जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि ये जो ब्रैकेट्स में चीजें लिखी होती हैं वो आप लिखें ही नहीं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले वाला मेथड वही जो हमने पिछले चैप्टर में भी अभी डिस्कस किया है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, जिससे हमें हाइड्रोजन भी मिलती है, और मैंने कहा था आपको वहां पे भी कि इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो सेम प्रोसीजर इस चैप्टर में भी रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो जब आपको पेपर में आएगा ना कि कैसे बनती है गैस, अगर यही कहा जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से बताएं, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जस्ट एक लाइन लिख दी। इन्होंने खाली एक लाइन इसलिए लिखी है कि ये देखें पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस वाला ये लिखा हुआ है। ये चाहे यहाँ पे दो लाइनें ही सही, यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन और ये बताया है कि कौन सा हमने कैटलिस्ट यूज किया। तो ये आपने जो इतना सा पैराग्राफ है ना और ये इक्वेशन है, ये आपने लिखनी है जब आपने ऑक्सीजन का भी बताना है, ये सेम आप उससे लिखेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन बिलो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज -183 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन जो है -196 डिग्री सेल्सियस। तो हम जब टेम्परेचर लो करेंगे -183 तक, तो ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी और वो हमारे पास अलग हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जिसको हम बाद में गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट एंड रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के भी ऑक्साइड बनते हैं, नॉन मेटल्स के भी ऑक्साइड बनते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था कि किसके, हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसके एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का भी पढ़ा था, वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है। अदर कंपाउंड्स द ऑक्सीजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, रिएक्शन विद ये इन्होंने कार्बन सल्फर फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ दिए, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, इसी तरह ये फास्फोरस के साथ उसका ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन से मिलता है तो पानी बनाता है, सोडियम से मिलता है तो सोडियम के साथ दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो सिंपल सोडियम ऑक्साइड बनता है, और अगर हम हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन करें तो सोडियम पर ऑक्साइड हमारे पास बनता है। इसी तरह पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 बनता है, जब हम कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरियम के साथ मिलता है तो उसी सेम इधर एक लिखा हुआ है 2Ca+O2 gives us 2CaO। जब आपने मैग्नीशियम का लिखना तो यहाँ Ca की जगह ही Mg आ जाएगा, यहाँ MgO आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये सेम पैटर्न पे होंगे। रिएक्शन विद Fe यानी आयरन के साथ रिएक्शन हो तो आयरन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे आयरन का FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, और एक और भी इसी तरह होता है। तो ऑक्सीजन जब इससे रिएक्ट करती है तो इसका ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन विद CH4 तो इसको कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। CH4 अनदर हाइड्रोकार्बन बर्न CH4+2O2 गिव्स अस CO2+2H2O+8। ऑक्साइड्स, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, नॉर्मल ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओ सॉरी ऑक्सीजन इज -2, पर ऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। यहाँ आपकी बुक में मिस प्रिंट था, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन तक लाइन खत्म हो रही थी, तो यहाँ पे आप अपनी बुक्स में एडिटिंग कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -1 होता है तो पर ऑक्साइड होता है, जब सुपर ऑक्साइड में जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1/2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी क्या कहानी है, बहुत डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है इसकी स्टडी में, क्योंकि आपके सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है। नॉर्मल ऑक्साइड्स आर वेरी कॉमन, H2O CO2 NO2 आर इट्स एग्जाम्पल, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, KO2 इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये बहुत रेयर केसेस में बनते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड,
कोवलेंट ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, देर आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स के एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और मेटल्स के बेसिक ऑक्साइड बनते हैं. कोई चीज यहाँ पे दोबारा आ रही है, और यहाँ पे एक मिस्टेक है. ये CO2 में H2O, NO2, SO2, इसमें सब में टू टू जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट में आना है, इसके साथ ही है ना. एटसेट्रा व्हेन डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स. कार्बन के साथ कार्बोनिक एसिड, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड. दो तरह से ये सल्फर के एसिड बनते हैं, एक H2SO3 और एक H2SO4. H2SO4 जो है वो मोस्ट कॉमन सल्फ्यूरिक एसिड है. बेसिक ऑक्साइड आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस. जब सोडियम के ऑक्साइड से मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, E2NaOH ये बेस है, CaOH2IC ये बेस है, BaOH2IC ये बेस है. तो ये बेसिक ऑक्साइड्स है. इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री ऑफ KO2. हाउ ओ टू गैस इज प्रोड्यूस इन रेस्क्यू मास्क. जो रेस्क्यू मास्क होते हैं ना, जो ऑक्सीजन के मास्क होते हैं जो हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, उसके अंदर तो पीछे से जो वायर होती है ना, उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस आ रही होती है पाइपलाइन, उसके अंदर K2O जो है, KO2 सॉरी, यहाँ पे गलती है, K2O नहीं KO2 आना है. वो पानी के साथ होता है और उसके रिएक्शन से हमारे पास ये बन रही होती है ऑक्सीजन गैस. 4KO2 + 2H2 गिव्स अस 4KOH + 3O2. एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि हमने पढ़ा है था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कि अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज यूज इन स्टील मेकिंग, एट इन यूज टू बर्न इम्प्योरिटीज, टू ब्लीच पल्प एंड पेपर. ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड यूजुअली गिव्स कलरलेस प्रोडक्ट. मेडिकल यूज, ये ब्रीथिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो मेडिकल, ये हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं. टू प्रोड्यूस यूज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, टू C2H2, यहाँ पे C का 2 और H का 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट में आना था, +5O2 गिव्स अस 4CO2, ये 2 भी सबस्क्रिप्ट में आना है, 2H2 और ये 2 भी सबस्क्रिप्ट में आएगा. टू प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, फिर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद सल्फ्यूरिक एसिड. प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन. S+O2 गिव्स अस SO2, 2SO2 प्लस O2, यहाँ आना है, यहाँ प्लस मिसिंग है, गिव्स अस 2SO3. कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है V2O5. SO3 + H2SO4 जहाँ पे प्लस नहीं आना, इधर गिव्स अस आएगा H2S2O7. और जब ये वाटर से इसमें ऐड होता है तो H2SO4 बनता है. चलते हैं अब नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन की तरफ. नाइट्रोजन इज अ कॉमन एलिमेंट, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. नाइट्रोजन गैस इज कंपोज्ड ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स. नाइट्रोजन गैस इज फाउंड 78% बाय वॉल्यूम इन एयर. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज वेरी स्टेबल बिकॉज देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड विथ बाइंड्स नाइट्रोजन एटम टूगेदर. एंड द ट्रिपल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड टू अदर बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स. ये भी बस आपने जस्ट वैसे याद कर लेना कि सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें होता है. इसकी प्रीवियस कहानी कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है. नाइट्रोजन कंपाउंड आर न्यूमरस, एग्जाम्पल्स इंक्लूड अमोनिया, यूरिया एंड नाइट्रिक एसिड. मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन. नेचुरली अकरिंग मिनरल्स ऑफ नाइट्रोजन आर साल्ट बिटर्स ऑफ KNO3 एंड NaNO3. आगे है लेबोरेटरी में, लैब में नाइट्रोजन जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है. बाय हीटिंग NH4NO2 विच इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड. यानी पहले हमने इनका रिएक्शन करके ये बनाया,
NH4Cl+NaNO3 गिव्स अस NH4NO2+NaCl, और फिर इसके जरिए, इसकी डीकम्पोजिशन के जरिए हमें N2O2H2O मिला। लार्ज स्केल ऑब्टेनिंग, वही जो हमने लिक्विफिकेशन मेथड ऑफ एयर का पढ़ा था, तो ऑक्सीजन को हम लिक्विफाई कर लेंगे, पहले वो ऑक्सीजन लिक्विफाई होगी ना, तो वो लिक्विफाई हुई जब एयर को हमने लिक्विफाई करना है, ऑक्सीजन लिक्विड बन जाएगी इस टेम्परेचर के ऊपर -183 के ऊपर, तो बाकी जो हमारे पास रह जाएगी वो N2 गैस रह जाएगी, तो इस तरह से हम N2 गैस अलग कर लेंगे। आगे है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन जब इसका ऑक्सीजन के साथ होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होता, वरना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अगर उनका आमतौर पर रिएक्शन होता तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में तौर पर गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल ना होते। 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है सोडियम और सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनने के लिए। हीटिंग विद मैग्नीशियम कैल्शियम और बोरोन जो है उसके साथ मिलता है, तो इनके नाइट्राइड्स बनते हैं, नाइट्राइड फॉर्म बोरोन नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। रिएक्शन विद H2 हैबर्ट प्रोसेस के जरिए अमोनिया बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज देन यूज टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, इट इज यूज एज एन इनर्ट गैशियस ब्लैंकेट टू एक्सक्लूड O2 टू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड्स। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज कूलेंट टू फ्रीज फूड्स रैपिडली। जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें लिक्विड नाइट्रोजन पाई जाती है, जिस जो हमारी जितने भी फ्रिज इनकी एक्सेसरीज होती है इनको ठंडा रखने में मदद करती है। अमोनिया, अमोनिया इज अ बेस, इट इज बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी डोनेटेड टू अ प्रोटॉन, दस अमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, N2+H4 गिव्स अस NH4 पॉजिटिव। अमोनिया इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय मेथड कॉल्ड हैबर प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3/Al2O3, N2+3H2 गिव्स अस टू NH3, द रिएक्टेंट्स आर हीटेड एट 500 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन द लेबोरेटरी अमोनिया कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ बेस ऑन अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl+NaOH गिव्स अस NH3+NaCl+H2। इसी तरह NH4Cl ओके, तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाते हैं तो भी हमारे पास NH3 आती है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इट इज वन ऑफ द कॉमन एसिड यूज एक्सटेंसिवली इन द लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्री। प्रिपरेशन होती है इसकी ओस्टवाल मेथड से, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर नेचुरल इंडस्ट्रियली बाय अ मेथड नोन एज ओस्टवाल मेथड, इन दिस मेथड नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये थ्री स्टेप्स, तीन इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है, और उसकी फिर हम जो है उसको पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड आता है। केमिकल रिएक्शन आर शोन बाय द केमिकल इक्वेशन एज फॉलो, 4NH3+5O2 गिव्स अस 4NO+6H2O। ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसकी जब फर्दर ऑक्सीडेशन होती है इसमें इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है 2NO2, ये हमारे पास इसका एक और ऑक्साइड बनता है, इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो हम मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 26, हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है एक ग्रुप है पूरा पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 7, जिसको हम एक्स से भी डिनोट करते हैं, हेलोजेंस का कॉमन सिंबल है एक्स, तो हमने HX भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो मैंने आपको तब भी कहा था, इसमें होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टरीन।
एटॉमिक नंबर्स इनके जो हैं, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्ट्रिडीन का 85 बताएं। अकरेंस किस तरह ये पाए जाते हैं ज्यादातर? हेलोजन्स अकर इन द फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि साल्ट की फॉर्म में NaCl, NaBr या Br-, I-, क्लोरोस्पासी, F2, ट्रायलाइट, NaCl, F6, फ्लोराइपेटाइट, Ca5, PO4 थ्राइस F। हेलोजेंस आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी F2Cl2, Br2, I2 इस तरह पाए जाते हैं। फिजिकल स्टेट इसमें ऊपर से नीचे तक जब हम आएंगे तो हेलोजेंस गैस से शुरू होते होते सॉलिड लेवल तक जाते हैं। फिजिकल इन देयर एलिमेंटल फॉर्म हेलोजेंस अकर एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दे हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? ये आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इट, यानी जब इसका कोई कंपाउंड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड, तो उसमें जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी जो है उसको कहते हैं। हैलोजेंस आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द ऑल द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ हैलोजेंस आर गिवन बिलो। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है अब एब्जॉर्ब करने की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि हैलोजेंस जो होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि वो इनर्जी जो चाहिए या इवोल्व हो रही है उस टाइम पे जब उसने इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब करना है, इलेक्ट्रॉन को लेना है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब रिवॉल्व व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एन एटम ऑफ द एलिमेंट। हैलोजन अब्सॉर्ब एन इलेक्ट्रॉन टू मेक अ नेगेटिव आयन और एन आयन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ हैलोजन्स आर गिवन बिलो। क्लोरीन की -333 किलो जोल पर मोल होती है, क्लोरीन की -348 किलो जोल पर मोल होती है, ब्रोमीन की -324 किलो जोल पर मोल, आयोडीन की -295 किलो जोल पर मोल। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। क्लोरीन गैस Cl2 सबसे ज्यादा जो है स्टडी किया जाने वाला हेलोजन जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन इज अ येलोइश ग्रीन कलर्ड गैस। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इन द लेबोरेटरी क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मैगनीज डाइऑक्साइड। 4HCl + MnO2 गिव्स अस MnCl2 + 2H2O + Cl2 गैस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है वो डाउन सेल प्रोसेस होता है, जो कि NaCl से इसको क्लोरीन को लेते हैं। NaCl नॉर्मल जो हमारे घरों में नमक यूज होता है, नॉर्मल जो साल्ट है पाए जाने वाला वो NaCl होता है। इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। फॉर दिस पर्पस अ स्पेशल इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज विच इज कॉल्ड डाउन सेल एंड प्रोसेस दस इज कॉल्ड डाउन सेल प्रोसेस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हाई टेम्परेचर, यानी उसको मोल्टन फॉर्म में लिखे जाने के लिए। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है अगर हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें। तो टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी। उसमें CaCl2 डाल देते हैं तो क्या होता है, उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। द इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर इज इन द डाउन सेल कंटेन 40% ऑफ NaCl एंड 60% CaCl2। क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, तो में क्योंकि दोनों में ही क्लोरीन होती है तो इसकी मदद से हमें क्लोरीन गैस हासिल हो जाती है। 2NaCl गिव्स अस 2Na + Cl2।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन भी NaCl का ही सोल्यूशन होता है, जो उसका एक्वस सोल्यूशन है या पानी में बनाया गया सोल्यूशन होता है NaCl का, उसको हम कहते हैं ब्राइन। उसके जरिए से अगर हम Cl2 को निकालते हैं या कह लें क्लोरीन गैस को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है कास्टनर केलनर सेल प्रोसेस। इन दिस मेथड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन एट एनोड इन द कास्टनर केलनर सेल, मूविंग मर्करी कैथोड इज यूज, इसमें मर्करी कैथोड यूज होता है। सोडियम इज डिस्चार्ज एंड मर्करी इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म सोडियम एमलगम, तो सोडियम वहां एमलगम की फॉर्म में अलग हो जाता है। द सोडियम एमलगम इज टेकन इन टू कंपार्टमेंट वेयर इट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। मर्करी इज रिसर्कुलेटेड, मर्करी दोबारा रिसर्कुलेट हो जाती है और हमारे पास NaCl में से पीछे से क्लोरीन बचती है, जो कि हम गैस फॉर्म में होती है उसको वहां से निकाल लेते हैं। 2 NaCl + 2 H2O gives us 2 NaOH + H2 + Cl2। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, इट हैज पंजेंट स्मेल, यानी इसकी स्मेल बहुत घटिया होती है, बहुत गंदी होती है। क्लोरीन इज अ टॉक्सिक गैस, लेकिन पानी को प्योर करने के लिए उसमें से क्लोरीन गैस गुजारी जाती है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा क्लोरीनेशन के नाम से। इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट इट प्रोड्यूस इंफ्लेमेशन ऑफ लंग्स थ्रोट एंड नोज, यानी अगर वैसे क्लोरीन गैस कहीं छोड़ दी जाए तो ये नुकसानदेह है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -34.6 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज -101.6 डिग्री सेल्सियस। इट इज फेयरली सोलेबल इन वाटर। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी इसके रिएक्शंस क्या होते हैं। क्लोरीन इज अ रिएक्टिव गैस, इट रिएक्ट्स विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी मेटल्स और मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करती है और उसके उनके क्लोराइड्स बनते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, ये रिएक्शन विद मेटल में आप देख लें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह के सारे बने हुए हैं, टिन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ये बने हुए हैं, एंटीमनी क्लोराइड। 2 Na+Cl2 gives us 2 NaCl, 2K+Cl2 gives us 2KCl, 2Sb+3Cl2 gives us 2SbCl3, 2Fe+3Cl2 gives us 2FeCl3, Sn+2Cl2 gives us SnCl2। Sn को हम टिन कहते हैं और Sb को हम एंटीमनी कहते हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल, P4+6Cl2 gives us 4PCl3, P4+10Cl2 gives us 4PCl5, 2S+Cl2 gives us S2Cl2। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कह लिया बनता है, H2+Cl2 gives us 2HCl। इसी तरह इससे अमोनिया भी बनती है, हाइड्रोजन सॉरी अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो वहां से हमारे पास दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। 2NH3+3Cl2 gives us N2+6HCl, और जब अगर फर्दर इसका रिएक्शन NH3 से हो तो हमारे पास NH4HCl बनता है, NH4Cl बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl2 टू FeCl3, ये 2 और ये 3 इसके सबस्ट्रेट में आने हैं। 2FeCl2+Cl2 गिव्स अस 2FeCl3। क्लोरीन रिप्लेसेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर कंपाउंड, इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। 2NaBr+Cl2 गिव्स अस 2NaCl+Br2, 2Ki+Cl2 गिव्स अस 2KCl+I2। फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्लोरीन आल्सो अंडरगोस फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ फोटोन ऑफ लाइट ब्रेक्स द क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, यानी खाली क्लोरीन गैस Cl की फॉर्म में। Cl2 अगर होता है तो वो मॉलिक्यूल होता है, और अगर जस्ट Cl हो या जस्ट H हो या जस्ट O हो तो हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। विच आर क्लोरीन एटम द क्लोरीन रेडिकल्स देन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड सच एज मीथेन। CH4+Cl2 गिव्स अस CH3Cl+HCl। क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ब्लीच के तौर पे यूज होता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड HOCl।
HCl then breaks up to form atomic or nascent oxygen. The atomic oxygen is very reacting and is a very strong oxidizing agent. It reacts with the spores and removes them. This is called bleaching action. H2O plus Cl2 gives us HCl plus HCl. 2 HCl gives us 2HCl plus 2O, जो के ब्लीचिंग के लिए यूज होता है. यूजेस ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन इज अ यूजफुल एलिमेंट. इट इज यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिपेयर पीवीसी, प्लास्टिक टू प्रिपेयर CCl4 एंड CH3Cl3, टू प्रिपेयर HCl फॉर टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर. आगे इसका कंपाउंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो के मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास एसिड है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्लोरीन इज HCl विच इज हाइड्रोजन क्लोराइड. इट इज अ गैस. व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर वी ऑब्टेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कॉमनली यूज एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय अ नंबर ऑफ मेथड. लेबोरेटरी प्रिपरेशन. इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन HCl कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड. जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो हमारे पास HCl बनता है. NaCl plus H2SO4 gives us NaHSO4 plus HCl. इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से भी HCl बनता है. इंडस्ट्रियल स्केल. ऑन इंडस्ट्रियल स्केल HCl इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोजन गैस. H2 plus Cl2 gives us 2HCl. अब केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl. HCl क्योंकि हमारे पास क्या है, एसिड है. जब ये बेसिस से मिलता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. वही पहले दो रिएक्शन में लिखते हैं. रिएक्शन विद अ बेस NaOH और KOH. HCl plus NaOH gives us NaCl और H2 plus H2O. यहाँ पे 2 जो है ये दोनों के नीचे आने सब्सक्रिप्ट. HCl plus KOH gives us KCl plus H2O. रिएक्शन विद अमोनिया NH4Cl बनता है. रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड जो बनेगा CaCl2 plus H2O. और रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 से मिलता है तो NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2O. यहाँ पे भी ये टू ये फोर ये दोनों जो ये जो है और ये 3 भी ये सबस्क्रिप्ट में आना है. यहाँ ये तीनों चैप्टर्स खत्म होते हैं. अगर आपको इन तीनों चैप्टर्स में से कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपकी सवाल का उसका जवाब दिया जाएगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें. अब मुझे दें इजाजत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.